मॉर्निंग जेबी सेबी की क्वेश्चंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या फेसबुक यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग करके। कैपिटल बजटिंग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कैपिटल बजटिंग करके ये हमारा जेडी का एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स। बहुत कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में और इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। तो होप फ्रेंड्स आज मैं छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल हम बाद में कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या चीज़ है। देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो राइट प्रोजेक्ट पे लगाना चाहेगा जिससे क्या हो कि उसको अर्निंग हो, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले ही उस चीज़ को मैन्युअली कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट से मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी कैलकुलेशन भी लॉस करवा जाती हैं। तो हमें कैपिटल बजटिंग से यही हेल्प मिलती है कि हमें जो है लॉन्ग टर्म में ये पता लग जाता है कि इस प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी में हमें दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल जो इतने भी आते हैं उनमें यही होता है कि वो प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट ए में ये सिचुएशंस है तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, व्हेन इन्वेस्टर्स डिसाइड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, देन ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट कि इसमें कौन से में बेनिफिट होगा, तो ये कैपिटल बजटिंग यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स, इसकी फीचर्स क्या है। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट 5 साल या 10 साल का है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट से हमें फ़ायदा होने वाला भी है या नहीं है। रिस्क इज़ टू हाई, रिस्की होता है, मे बी ऐसी कैलकुलेशन अगर आपकी रॉन्ग निकल गई तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब एक बार आपने कैपिटल बजटिंग कैलकुलेट कर लिया और कोई प्रोजेक्ट में काम करने का डिसीजन ले लिया तो वो आप जो अपना और काम शुरू कर दिया तो आप अपना डिसीजन रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर इवैल्यूएशन इज नेसेसरी, मतलब इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इवैल्यूएट प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स हेल्प करेंगी। तो एक टेक्निक होती है डिस्काउंटिंग, एक होती है नॉन डिस्काउंटिंग, ठीक है। डिस्काउंटिंग में कौन सा आता है आपका, डिस्काउंटिंग में आता है आपका वाईटीएम, यील्ड मैच्योरिटी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, ये सब चीज़ें आपको डिस्काउंटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नॉन डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग में दो मेथड्स हैं, पे बैक पीरियड कितने टाइम बाद जो है वो रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, और एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नॉन डिस्काउंटिंग में ये नहीं यूज़ होता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट यूज, ये तो आपका डिस्काउंटिंग में यूज़ हो रहा है ना तो इसमें नहीं होगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कि उससे हमें कितना रिटर्न मिला, आर ओ आई, रेट ऑफ रिटर्न, आर ओ आर, रेट ऑफ रिटर्न, आर ओ आई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आर ओ आर इज रेट ऑफ रिटर्न कि हमें उससे कितना रिटर्न मिलेगा। नॉन साइंटिफिक मेथड्स आर नॉट यूज, जो साइंटिफिक मेथड्स नहीं होते वो हम यूज़ नहीं करेंगे। पे बैक पीरियड में क्या होता है कि पीरियड ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग विच द कैश फ्लो शुड बी इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपये लगाए हैं तो उससे आपको 12 या 11 लाख रुपये मिलने चाहिए, तो वो पे बैक पीरियड से हमें पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था कैपिटल बजटिंग के ऊपर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर बेसिकली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं तो वो आपने कर लेने हैं।